हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपके साथ संडे अपडेट की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहाँ पर देखिए, मेरे एडेनियम के पत्ते बहुत ज़्यादा पीले हुए थे, कल मैंने काफ़ी सारे निकाले भी हैं, फूल भी सूख रहे हैं। इतनी ज़्यादा तेज़ धूप होने लगी है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, एक न्यू फ्लावर ही खिल रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर है इसका। तो हमारे यहाँ बस इस महीने सिर्फ 3 दिन लगातार जो बारिश हुई थी वही बारिश हुई है, उसके बाद से कोई बारिश नहीं हुई। तो मौसम बहुत ही ज़्यादा गर्म है और बहुत ही ज़्यादा धूप निकलती है, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा मतलब हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ग्राफ्टेड प्लांट है तो इनके लिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम फिर भी नहीं है। जो मैंने सीडलिंग ऊपर अभी रख दी है, रख छोड़ी वहाँ पर रिपोर्ट करने के बाद, उस पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो शाम को देखूंगी, अगर कुछ कवर कर पाऊँगी तो ठीक है। इधर देखिए, कुछ इंडोर प्लांट हैं, कुछ कलांचो रखे हैं। कल मैंने जो इंडोर का सेक्शन है थोड़ा सा यहाँ पे अरेंज किया, यहाँ पर जितने भी इंडोर प्लांट थे मैंने उनको शिफ्ट किया यहाँ पर। और आज वीडियो बहुत लेट हो गई क्योंकि सुबह से मुझे आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो काफ़ी लेट हो गया है, दोपहर के 3 बजने वाले हैं और धूप और ज़्यादा तेज़ है, बहुत ही तेज़ है। इधर देखिए, मेरा एक अरेलिया का प्लांट है जिसको मैंने एक बोनसाई पॉट में शिफ्ट किया था। इसकी प्रूनिंग नहीं की, नहीं तो ये बॉल की शेप में बहुत ही सुंदर से इसका लुक आ जाता है प्रूनिंग करने से, मतलब शेप देने से इसका किसी भी तरह का शेप आप इसमें बना सकते हैं। एक फाइकस था, उसको भी मैंने धूप में शिफ्ट कर दिया, बल्कि वो धूप में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रही, कुछ कटिंग भी लगाई थी तो पीली पीली से हो रही है। और यहाँ पर ये जरबेरा का प्लांट है जिसकी मिट्टी आज सूख गई, तो देखिए मुरझा गया थोड़ा सा, फूल नहीं, फूल खिला हुआ था इसमें। इधर कला क्रोटन है सारे, और इधर सारे एडेनियम जो बहुत अच्छे से खिल रहे हैं। अब धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है कि गार्डन भी उतना अच्छा देखने में नहीं लग रहा है, क्योंकि आज देखिए इसमें भी एक न्यू फ्लावर खिला है रेड वाले में। इसमें 2 ब्रांच है, एक येलो है और एक रेड कलर की है, मतलब 4 ब्रांचेस रेड में हैं और एक ब्रांच मैंने येलो कलर की ग्राफ्टिंग की थी। यहाँ पर भी कुछ हाइब्रिड सीडलिंग है मेरे, लेकिन ये भी धूप में थोड़ी सी ख़राब हो रही है। देखिए, एक तो प्लांट भी उखड़ गया लगता है, ये देखिए ये पूरा डिस्टर्ब हो गया, बहुत तेज़ धूप है यहाँ पर भी। तो इधर सारे मेरे सकुलेंट के प्लांट हैं और कुछ एग्लोनिमा के हैं, इधर कुछ मैंने सकुलेंट की कटिंग भी लगाई थी। ये देखिए, ये इंडोर प्लांट है हमारे, कुछ मैंने लीफ भी रखी सकुलेंट की और कुछ प्लांट मैंने ग्राफ्ट किए हैं। ये एक प्लांट एलोकेसिया का है जो काफ़ी खूबसूरत सा प्लांट है, ये देखिए इसको मैंने छाया में रखा क्योंकि धूप में इसकी पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। इधर देखिए, एक न्यू फ्लावर खिलेगा, अगर खिल पाएगा तो, धूप और गर्मी की वजह से कलियाँ भी सूख करके गिर जाती हैं। ये वेरीगेटेड लीफ वाला था, इसकी एक ब्रांच गल गई बारिश में, 3-4 दिन बारिश हुई बस उतना ही नुकसान हुआ मेरे प्लांट का, बाकी बारिश से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। इस बार गर्मी बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है और पता नहीं लगता इस बार सेप्टेम्बर अगस्त में भी बारिश नहीं होगी तो सेप्टेम्बर में क्या ही होगी फिर। तो ये देखिए, बारिश हमारे यहाँ इस बार बहुत ही कम हुई है, बहुत ही कम, जुलाई में 2-3 दिन बरसा है और अगस्त में 2-3 दिन बरसा बस। यहाँ पर भी मेरे एडेनियम बहुत अच्छे ब्लूम्स कर रहे हैं, ये देखिए सीडलिंग बेचारी इतनी फुल सनलाइट में पड़ी हुई है और हेल्दी दिख रही है, ऐसा कुछ मुरझाया सा नहीं दिख रहा क्योंकि देसी सीडलिंग है, हाइब्रिड वाली थोड़ी सी मतलब उसमें शॉक लगा हुआ। इधर हमारे टिकोमा के प्लांट हैं और आज मेरे पर्पल हिबिस्कस भी खिले हुए थे लेकिन पूरे मुरझा गए। देखिए, आज मैं सोच रही थी, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर सफाई भी की थी सुबह सुबह, उसके बाद सोचा तो थोड़ा सा गार्डन को मेंटेन करूँगी। ये देखिए, पर्पल हिबिस्कस खिला हुआ था लेकिन देखिए धूप की वजह से पूरे सूख गए इसके फूल, ये देखिए। और इधर जट्रोफा है, अलमंडा है। तो बस थोड़ा सा ही गार्डन आपको दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने के लिए। और एडेनियम बस काफ़ी अच्छे खिल रहे हैं, ये सीडलिंग मैंने इधर शिफ्ट करी थी, थोड़ा बहुत प्लांट की छाया मिल जाती है। देखिए यहाँ पर रोज़ बहुत अच्छा हो रहा है, इसमें इंसेक्टिसाइड के स्प्रे फिर से करना है नहीं तो इसकी पत्तियाँ फिर अटैक हो जाएगा। कलियाँ देखिए कितनी ढेर सारी आई हैं, तो मैंने बस उस समय गोबर की खाद ही दी थी, अभी ऐसा कोई फर्टिलाइज़र भी इसको नहीं दिया था। फूल देखिए कितने सारे खिले, ये अलमंडा भी बहुत सुंदर है। और आपको हिबिस्कस की अपडेट दिखा देती हूँ, आज मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो गई, मैंने जानबूझकर ड्राई किया क्योंकि मैंने आयरन फर्टिलाइज़र बना के रखा था। तो देखिए मिट्टी थोड़ी सी, पत्तियाँ मुरझाई हुई हैं, इसकी पत्तियाँ तो देखिए ग्रीन हो चुकी हैं और इनमें भी थोड़ा थोड़ा सा ग्रीन आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, जो मैंने ट्रीटमेंट किया था उसका रिजल्ट मिल रहा है मुझे, तो बस यही रहता है, अगर आप टाइम से ध्यान देते रहते हैं तो आपको ये चीज़ें फेस ही नहीं करनी पड़ेंगी। मैं ध्यान नहीं दे पाती क्योंकि अब क्या बताऊँ मैं, ठीक है। तो मैंने जो ट्रीटमेंट किया है उसका
असर दिखने लगा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन आज मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई है, थोड़ी पत्तियाँ भी मुरझा गई हैं। शाम को मैं वही पानी इसमें दे करके मिट्टी गुड़ाई, देखिए इसमें दरार पड़ गई, बिल्कुल सी मिट्टी सूख गई है। तो मैंने जानबूझकर मिट्टी सुखा दी, क्योंकि मिट्टी सूख जाने से ना थोड़ा जल्दी हमारा प्लांट ठीक होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीला रहता है तो फिर ठीक नहीं हो पाता है। तो आज धूप भी बहुत तेज़ है, इसलिए पूरी मिट्टी सूख गई है। इधर देखिए रोज़ प्लांट बहुत सारी कलियाँ आई हुई हैं। तो बस फ्रेंड्स, आज गार्डन में इतना ज़्यादा मुरझाया हुआ से दिख रहा है, मतलब गार्डन इतनी धूप है कि कुछ दिखाने का मन भी नहीं कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।